नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की खबर आपको बता दें, सिद्धार्थ नगर से राजकीय कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। जी हां, शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों ने किया बहिष्कार। बता दें, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बैठे धरने पर। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों ने DIOS ऑफिस पर धरना दिया और कार्य से व्रत रहे। जी हां, शिक्षा विभाग के राजकीय कर्मचारियों ने ये धरना यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दिया। धरने और कार्य बहिष्कार के इस निर्णय को लेकर एसोसिएशन के जिला सचिव ओमकार नाथ ने बताया कि उसके एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष विवेक कुमार यादव 22 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 नवंबर से बेसिक शिक्षा निदेशक लखनऊ कार्यालय पर अनावृत अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक शासन स्तर पर मांगों के निस्तारण के लिए कोई पहल नहीं हुई है। इसीलिए एसोसिएशन के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के DIOS कार्यालय पर कार्य बहिष्कार कर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे रणनीति बनाकर एसोसिएशन के निर्देश के अनुसार प्रदर्शन किया जाएगा। सिद्धार्थनगर से असदुल्ला सिद्दीकी की रिपोर्ट। आप लोगों ने जो कार्य बहिष्कार किया हुआ है, आप लोगों की मांगे क्या हैं, किन मांगों को लेकर के आज आप कार्य बहिष्कार कर रहे हैं? जी, आज यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रांतीय कार्यकारिणी के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री विवेक यादव जी विभिन्न 22 सूत्री मांगों को लेकर के दिनांक 22 नवंबर से ही शिक्षा निदेशक बेसिक के कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन द्वारा कोई रुचि नहीं ली जा रही है कर्मचारियों की लंबी समस्याओं के प्रति, जिसके कारण उन्हें विवश होकर के आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। वो चार दिन से आमरण अनशन पे हैं। कल प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि कल से पूरे प्रदेश में, कल याद नहीं आज 25 तारीख से पूरे प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार धरने का आयोजन किया जाए, जिसके नेतृत्व मतलब जिसके क्रम में हम लोग आज समस्त राजकीय कर्मचारी जो भी हैं माध्यमिक के बेसिक के आज कार्य बहिष्कार के क्रम में बैठे हुए हैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में। अगर मान लीजिए एक दिवसीय है, अगर नहीं मांगी जाती है तो फिर आगे क्या आप लोग करेंगे? कल शाम तक निर्णय आ जाएगा। कल जहां तक मुझे लगता है कि ये धरना हमारा संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक संयुक्त शिक्षा निदेशक बस्ती मंडल बस्ती के कार्यालय पे कल धरना आयोजित होगा। फिर यदि कल भी नहीं मांगे हमारी मानी जाती या उनका आमरण समाप्त नहीं कराया जाता मांगों को पूर्ण करते हुए, तो फिर अनिश्चितकालीन धरने के लिए हम लोग बाध्य होंगे प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी दो मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसके खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली बरी का नगला फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525, 9412265608।